ये कृष्ण कथा कितने मीठा है और ये कृष्ण कथा कितने मधुर है, और जो व्यक्ति कृष्ण कथा को श्रवण करते हैं वो कथा की कितने महिमा उन्होंने कुछ श्लोकों को द्वारा वर्णना कर रहे हैं। बोले जस्मीन सत्कर्ण पीयूषे जस तीर्थ भरे सक्री श्रोतांजलि रूपस्पृश्य धुनते कर्म वासना। कि जो व्यक्ति ये कान रूपी हैं दोनों में भर भर करके भगवान की कथा अमृत को पान करते हैं उसको द्वारा क्या होते हैं, बोले श्रोतांजलि रूपस्पृश्य धुनते कर्म वासना। उसको जितने सारे कर्म वासना है संसार की जितने कामना वासना ये सब के सब धीरे 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 नष्ट हो जाता है। इसलिए भागवत में बताए बोले परिमिर्जत असौ तत्पुण्य काथा श्रवणाभिदो। उदाहरण दिया जैसे आंखों में काजल लगाने पर क्या होता है, आंखों में काजल लगाते हैं ना उसमें आंखों का जो मलिनता और आंखों की जो कमजोरी उसको जोर कर देता है, आंखों की सौंदर्य भी बढ़ाती है और दृष्टि शक्ति भी दे देती है। कहते उसी तरह जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को श्रवण करता है, हैं? उसको द्वारा कथा सुनने से क्या होता है, बोले जितने परिमाण से हम भगवान की कथा में हमारी रुचि होती है, जितने परिमाण से हम भगवान की कथा सुनते हैं कहते उतना परिमाण से ये अज्ञान हमारी अंधकार अज्ञान अनर्थ ये धीरे 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 दूर होता है। अगर कोई बोले नहीं पहले तो सारे काम क्रोध लोभ को दूर करके फिर भगवान को भजन करेंगे, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे नहीं होता है। जितने परिमाण से भगवान की हम भक्ति करना शुरू करते हैं उतना परिमाण से ये सारे अनर्थ अपराध ये सब के सब धीरे 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 अपने आप दूर होते जाएगा। इसको दूर करने के लिए कोई चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए, ये काम छोड़े क्रोध छोड़े लोभ छोड़े नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। जैसे मान उदाहरण देते हैं, जैसे मानो 10 साल से ये घर बंद हुआ था, कितने साल से 10 साल से मान ये घर बंद हुआ, लेकिन आप एक उसमें एक दिया जला दो वो अंधकार को दूर करने के लिए कितना समय लगेगा बोलो, वो दिया जलाते ही अपने आप सबके सब प्रकाश हो जाएगा। भले ही ये घर 10 साल से बंद हुआ होगा किंतु दिया जलाते ही क्या होगा अपने आप रोशनी हो जाता है। कि तो उसी तरह से भले ही हमारी करोड़ों करोड़ों जन्मों का अनर्थ अपराध अविद्या हृदय में पड़ा हुआ है लेकिन जब भगवान की भक्ति करना शुरू कर देता है ना वो भक्ति करने का साथ साथ ये अपने आप ये अंधकार अज्ञान अपने आप दूर हो जाएगा, इसको हमें हटाने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए भागवत में बताया कि श्लोक को द्वारा बताया है तो भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र। ये जो विरक्ति जब आया है तीसरे स्टेज में आया है लेकिन पहले क्या आया बोले भक्ति, क्या करो भक्ति, पहले भगवान की भजन करना शुरू करो। जितना परिमाण से प्रभु की भजन करना शुरू करेंगे उसको द्वारा क्या होगा परेशान भव, उतना परिमाण से हमें भगवत अनुभूति होना लग जाएगा। जितना परिमाण से भजन करेंगे उतना परिमाण से भगवान की ये क्या भगवत अनुभूति होने लग जाएगा, और जितने परिमाण से भगवत अनुभूति होने लग जाएगा उतना परिमाण से ये अनर्थ अपने आप हमारी अविद्या अनर्थ अपने आप दूर हो जाएगा। भगवान की भजन किए बगैर कि कभी भी ये अविद्या अनर्थ अपराध कभी दूर होने वाले नहीं। एक उदाहरण देकर समझाए, अगर आपकी प्यार में कोई कांटा चुभ गया अभी वो कांटा को निकालने के लिए कि आपको क्या करना पड़ेगा और एक कांटा लाओ, जो कांटा चुभ गई उसको निकालने के लिए और एक कांटा लाओ, और एक कांटा से हम दूसरे कांटा को फिर निकाल देते हैं। इसका तात्पर्य यह है अभी हमारे हृदय में एक अनर्थ अपराध अब ये कामना वासना रूपी जो कांटा है ना हमारे हृदय में चुभ गई है, अब इसको निकाले कैसे, ये निकलेगा कैसे, फिर बोले दूसरी कांटा ले आप और एक कांटा ले आप फिर वो कांटा अपने आप निकल जाएगी। बोले मतलब क्या है,
बोले मतलब है अगर हम सवेरे उठ करके जल्दी जल्दी सवेरे से उठे, नहा धो करके तिलक लगाया, मंगल आरती में आई, क्या किया मंगल आरती में आई, मंगल आरती दर्शन किया, मंदिर परिक्रमा की, फिर अपना घर में ठाकुर जी की आरती उतारी, उसको बाद में तुलसी परिक्रमा की, उसको बाद में गुरु मंत्र जप किया, हरि नाम को किया, थोड़ी सी गीता भागवत हो उसको भी थोड़ा अध्ययन किया। अब देखो आपको काम क्रोध लोभ छोड़ने का कोई जरूरत नहीं। अब जितने परिमाण से ये भक्ति में आप लगते जाओगे क्या होगा, उतना परिमाण से वो अपने आप ये चीज हटते जाएगी। अगर भगवान की भक्ति किए बगैर, भजन किए बगैर क्रोध कह जाएगा, काम कह जाएगा, लोभ कह जाएगा, दिन भर चिंता करते रह जाएगा और नहीं जाएगी। लेकिन आप जितने परिमाण से आप प्रभु का भजन करना शुरू कर देते हैं, इसलिए एक नियम माया के नियम में बंध गए, लेकिन वो नियम को छोड़ाने के लिए दूसरे नियम बना लो, दूसरे नियम बना दो। कौन सा नियम? भक्ति का नियम, भगवान की भक्ति का नियम बना दो। फिर धीरे 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 जितने भगवान के नाम कीर्तन भजन करोगे माया तो अपनी आप हट जाए, हटाने का जरूरत नहीं। इसलिए क्या करो, भगवान की कथा सुनो, भजन करो, भक्ति करो, हरिनाम करो, अपनी आप ये जड़ बंधन तुम्हारी नष्ट हो जाएगी, इसको छोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं बोले धुनते कर्म वासना, जो व्यक्ति भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान की भजन करते हैं, उनको जितने सारे कर्म वासना वो अपनी आप सारे कर्म वासना की अपनी आप नष्ट हो जाएगी। तो उसको बाद में कहते हैं बोले जस्यानम मकरकोंड चालू कर्णम भ्राजत कपल सुभगम सविलास हासम नित्वत्सवम न तत्त्रिपुरदिष्टिशिभिर् पिबन्तो नाज्य नराःसमुदितां कुपेत निमेषम्। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कितने सुंदर है और उनको दर्शन करने का क्या लाभ है, तो इसी श्लोक में वर्णना करते हैं बोले जस्यानम मकरकुंडल चारु कर्णम। कहते भगवान कृष्ण बड़े सुंदर है, कृष्णा बड़े सुंदर है, इसलिए कभी कभी ब्रज गोपियां कृष्ण को ताना मारती हैं। बोले नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती कर्ण। गोपियां कहती अच्छा हुआ था भगवान ने तुम्हें को लाली नहीं बना करके तुमको उन्होंने लाला बना दिए, हैं लाला बना दिए। अगर तू लाली होता है ना पता नहीं तेरे पीछे कितने लोग बन जाते तेरे को पाने के लिए। इसलिए कहते हैं भूषणम भूषणान में, हैं हम लोग जैसे शरीर को हम श्रृंगार करते हैं, क्यों श्रृंगार करते हैं, हम सुंदर दिखे, हम सुंदर दिखे इसलिए तो श्रृंगार करते हैं ना। लेकिन जो ठाकुर जो श्रृंगार करते हैं, क्या ठाकुर जी सुंदर दिखे इसलिए ठाकुर सुंदर ठाकुर को श्रृंगार करते हैं? बोले नहीं, इसलिए ठाकुर का श्रृंगार नहीं करते हैं, हैं बोले भूषणांग भूषणांग में, इसलिए हम ठाकुर जी को श्रृंगार करते हैं। ठाकुर भूषण का श्रृंगार बढ़ते उसको सौंदर्य बढ़ जाती है, कृष्ण का सौंदर्य नहीं बढ़ जाती है, कृष्ण का सौंदर्य नहीं बढ़ जाती है। इसलिए बोले ठाकुर जी को जो हम शरीर में कपड़ा व ठाकुर को ड्रेसिंग करते हैं, बोले क्यों, बोले ठाकुर को ऊपर में किसका नजर नहीं लग जाए, ठाकुर जी इतने सुंदर है ठाकुर जी के ऊपर में कोई नजर नहीं लग जाए, इसलिए हम ठाकुर जी को श्रृंगार करते हैं। इसलिए ठाकुर जी देखो तीन जगह से टेढ़े, तीन जगह से टेढ़े है ना, बोले ये टेढ़े क्यों हो गए, बोले जब राधा रानी उनकी बाम पार्श्व में खड़ी रहती हैं वो अपनी आप राधा जी के प्रेम में ना वो अपने आप को ठीक नहीं रख पाते हैं, इसलिए कहते बंसी करान निपतित स्खलितम श्रीखंडम। जब राधा रानी एक बार कृष्ण को त्रिशि चितवन से जब ठाकुर को दर्शन करते हैं भगवान क्या होता है, बोले बंसी करान निपतितम, भगवान जब बंसुरी बजाते हैं ना बंसुरी गिर जाती है और कभी कभी उनका मर मुकुट भी गिर जाती है, कहते कभी कभी कृष्ण का कपड़ा भी गिर जाते कृष्ण भी पता नहीं चलता, और कभी कभी कृष्ण तो स्वयं गिर जाते हैं, ठाकुर जी स्वयं गिर जाते हैं कृपा कटाक्ष उनकी राधा रानी अगर कृष्ण को एक बार तेज नजर से देख ले। इसलिए कृष्ण टेढ़े हो गए चूंकि राधा जी को पास में खड़े हुए हैं,
इसलिए राधा रानी के प्रेम से ही कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हो गए हैं, इसलिए टेढ़े हो गए। इसलिए कृष्ण इतने कहते भूषणांग भूषणांग में, सूरदास जी का नाम सुने होंगे, ये जो गिरिराज गोवर्धन जहाँ पर भगवान जहाँ पर हरिदेव का मंदिर है वहाँ पर विठल नाथ कहते बल्लभाचार्य के बेटा रोज उनको श्रृंगार करते थे, स्नान करते थे, श्रृंगार करा करते थे, श्रृंगार करके बोलते थे वहीं पर सूरदास जी रहते थे, बोले सूरदास जी बताओ आज ठाकुर देखने में कैसे है। जैसे वो श्रृंगार करते थे देखने में तो ऊपर से अंधे थे लेकिन हृदय से दिव्य ज्ञान उनका था, वो जैसे श्रृंगार करते थे ना ठीक वैसे वर्णना करते थे वैसे। एक दिन विठलनाथ जी ने सोचा बोले बाबा तो ढोंग नहीं कर रहे, मैं जैसे जैसे श्रृंगार करता हूँ वो वैसे वैसे वर्णना करते हैं, हर अंधा बनने का तो ये ढोंग भी नहीं रचा रहे। एक दिन उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी को उन्होंने पंचामृत से स्नान कराया और स्नान करके गले में एक मोती की माला डाल दिया, ठाकुर भी नंगे ही नंगे। बोले सूरदास जी बताओ आज ठाकुर को श्रृंगार कैसे, और सामने की स्क्रीन डाल दी, बोले आज देखो हरी नंगम नंगे, आज तक ठाकुर जी बड़े सुंदर दिख रहे हैं, ठाकुर तो पूरा नंगे ही नंगे हैं लेकिन मोतिनी की माला गले में डाले हुए लेकिन सुंदरता उठा तक तरंगा, लेकिन आज ठाकुर तो नंगे ही नंगे में है, लेकिन मानो आज ठाकुर जी के शरीर में जो सुंदरता की लहर जैसे छा रहा है, इतने सुंदर ठाकुर जी। पर समझ गए ये सूरदास जी अपना दिव्य चक्षु से ठाकुर जी को ये दर्शन करते हैं, हैं दिव्य चक्षु से ठाकुर जी को ये दर्शन करते हैं। ऐसे हमारे श्री राधा श्याम सुंदर जी, बोले श्री राधा श्याम सुंदर की, इसलिए इनका नाम ही श्याम सुंदर है, हैं इनका नाम ही श्याम तो है ही है, हैं लेकिन उसमें भी ठाकुर जी सुंदर है ठाकुर जी। बोले जस्यानन यद्यपि शरीर का सब शरीर कृष्ण का सुंदरता है लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा अंग सुंदरता है, बोले भगवान की जो आनंद जो मुखमंडल है, जब हमारी दृष्टि किसी चीज के ऊपर पड़ता है किसके ऊपर नहीं पड़ता है, पहले दृष्टि कहाँ पर पड़ता है, हमारे किसी व्यक्ति को हम कैसे पहचानते हैं, बदन कमल से, मुख कमल देख करके पहचान जाते हैं ये व्यक्ति अमुख व्यक्ति है। इसलिए कहते यद्यपि ठाकुर जी की संपूर्ण शरीर सुंदर तो है ही है ठाकुर जी की, लेकिन सबसे सुंदर हो तो ठाकुर जी की कौन सा अंग सबसे सुंदर, बोले जस्याननम जिसकी आनंद जिनके मुखमंडल बड़े सुंदर ठाकुर जी की है, यद्यपि उनको संपूर्ण शरीर ही सुंदरता है लेकिन ठाकुर का जो मुखमंडल है ना ये सबसे सुंदर ठाकुर जी की ये मुखमंडल है, हैं? बोले जस्याननम बोले मकर कुंडल चाल कर्ण, उसमें क्या एक सुंदरता है ही है, फिर ठाकुर जी कानों में ये मकराकृत कुंडल को धारण करते हैं, हैं मकर कुंडल, इसलिए हमारे श्री सत्यव्रत मुनि कहते हैं, वो क्या कहते हैं, बोले नामामि स्वयं सच्चिदानंद रूपम लासत कुंडल गोकुल भ्राज महान यशोदा सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमान, कान में जो कुंडल जब ठाकुर जी धारण करते हैं कहते यद्यपि कृष्ण का शरीर में जितने श्रृंगार धन्य धन्य है ही है लेकिन सबसे ज्यादा धन्य कौन है, बोले ठाकुर जो कान में कुंडल धारण करते हैं। बोले क्यों, बोले कुंडल जब हिलता है बारंबार कुंडल हिलता है ना, जब कुंडल जब हिलता है वो किसको स्पर्श करता है, ठाकुर जी को कपल को, भगवान की
ये कपल को स्पर्श करता है, इसलिए कपल को स्पर्श करने का नाते मानो ये कुंडल क्या कर रहा है, ठाकुर जी को चुंबन कर रहे, ठाकुर जी को चुंबन। लेकिन चुंबन कृष्ण को कौन करती है, बोले ब्रज गोपियां राधा रानी। जो सौभाग्य राधा रानी को प्राप्त है कहते वो सौभाग्य किसको प्राप्त हो रहा है, कुंडल, ये कुंडल को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए बोले जो कुंडल की विशेष विशेष महिमा ठाकुर जी, जो कुंडल ठाकुर जी धारण करते हैं, इसलिए बोले मकर कुंड चारु कर्णम भ्राजत कपल सुभगम सबिलास हासम। यहाँ पर कहते हैं ठाकुर जी, विशेष करके ठाकुर जो मीठी 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 जो हंसते हैं ठाकुर जी है, ठाकुर जी ऐसे एक व्यक्ति सुंदरता है, लेकिन जो सुंदरता है ही है, लेकिन जब देखो ठाकुर कोई व्यक्ति है सुंदरता है ही है, लेकिन जब कोई व्यक्ति हंसते है ना, और इसलिए जब ठाकुर जी हंसते है ना, वो हंसते समय उसमें और भी सुंदरता ठाकुर जी की और भी सुंदरता ठाकुर जी को बढ़ जाती है। देखो एक व्यक्ति तो है सुंदर है, लेकिन अगर एक व्यक्ति मुंह लटका हुआ व्यक्ति बैठा हो सुंदर दिखता है नहीं, लेकिन सुंदर कब ज्यादा दिखता है, जब कोई बच्चे खिलखिलाते हुए हंसते है, हैं कहते ना आज तुम तो बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, कहते ना आज तो तुम बड़े खुश देख रहे हो, अगर मुंह लटका हुए बैठे हो बड़े सुंदर होने पर इतने सुंदरता नहीं। जब कोई व्यक्ति खिलखिला कर हंसते हैं आज तो बड़े सुभाई बन हो रहे, हाँ तो खिले हुए हो, कहते ना तुम आज तो खिले हुए हो हंस रहे हो। इसलिए कहते कृष्ण तो सुंदर है ही है, लेकिन कृष्ण और कब ज्यादा सुंदरता कृष्ण के अंदर में आती है, बोले सबिलास हासम, जब भगवान बड़े सुंदर पूर्वक हंसते हैं। लेकिन यहाँ पर श्री विश्वनाथ चरण ठाकुर कहते हैं बहुत अच्छी बात बताते, कृष्ण तो सुंदरता है, जैसे एक दास्य रस का जो भक्त वो भी कृष्ण को दर्शन करता है, वो एक भाव से दर्शन करता है, एक भाव से कि मेरे परात्पर तत्व परम ब्रह्म ये भगवान इस रूप में दर्शन करता है। लेकिन जब एक सख्य रस का भक्त दर्शन करता है और सुंदरता, एक व्यक्ति और सुंदर, देखना जैसे किसी नौकर घर में है उसको सामने मालिक का जो खिला हुआ मुंह है वो इतना सही तो सुंदर था, वो अपना अभिमान से अरे हम मालिक है इतना मेरे नौकर है। लेकिन कोई यार दोस्त आ जाए, कोई दोस्त आ जाए देखना खुश हो जाता कि नहीं, आज तो कहाँ गया था इतना दिन तक तू, क्या तुमने क्या भोजन किया। अब देखना जब किसी वो दोस्तों को साथ में मिलता है ना बड़े प्रसन्न हो जाता है, लेकिन किसी नौकर को सामने इतने प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि नौकर के सामने इसकी ऐश्वर्य जब भाव प्रकाशित है, लेकिन सख्य को स्थान में किसका प्रकाशित है, सखा रस का, बड़े प्रसन्न होकर के बड़े आनंद पूर्वक उसको साथ में क्या करता है, बात करता है। लेकिन उससे जब मैया जसोदा, कृष्ण सुंदर है लेकिन जब वो मैया जसोदा को साथ में रहते हैं उसी समय में कृष्ण और भी सुंदर दिखते हैं, और भी सुंदर कृष्ण है। क्यों, ये मेरी माँ है, ये हमें दूध पिलाने वाले शासन करने वाले डांटती है, कहते वहां पर और सुंदरता है। लेकिन बोले जब ब्रज गोपियों के साथ में कृष्ण जब रासलीला करते हैं कृष्ण और भी सुंदरता है, गोपियों के साथ जब कृष्ण रासलीला करते हैं, इसलिए वहां पर उदाहरण दिया ये गोपियां कैसे हैं, कहते एक एक मणि है, कृष्ण तो सुंदर हैं, लेकिन कृष्ण अकेले खड़े कर दो, हाँ कृष्ण सुंदर तो दिखेंगे इतना नहीं, लेकिन जब उनको बाम पार्श्व में राधा रानी देखो कृष्ण खिल रहे कि नहीं और सुंदर दिख रहे कि नहीं, अगर राधा जी को हटा तो कृष्ण इतना सुंदर लगेगा नहीं लगेगा कृष्ण, लेकिन जब राधा रानी को पास में खड़े ना सुंदरता, लेकिन जब महाप्रभु इस तरफ में और भी सुंदरता, और भी महाकृष्ण की सुंदरता और भी खिल जाती है और भी सुंदरता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कृष्ण एक होने पर भी, इसलिए जब कृष्ण कंस का रंगमंच में प्रवेश कर रहे थे कृष्ण एक थे, लेकिन भावना रही जैसी और हरि मूरत देखते नहीं तैसी, इसलिए भगवान जिसके अंदर में जैसे भावना कृष्ण वैसे ही। इसलिए हम एक श्लोक कहते हैं ना, बोले हे कृष्ण करुणा सिंधो,
जब भक्त कहता है हे कृष्ण करुणा आप कौन हो, दिनों का बंधु, कृष्ण और भी थोड़ा खुश होते हैं, बोले जगत पते विश्व ब्रह्मांड का मालिक, बोले कृष्णा जब और भी कृष्ण का खुश होते, बोले और आगे बोले गोपेशा, जब कहते हैं कृष्ण कौन है, ये गोपियों का ईश है, हैं ये गोपों का ईश है, ब्रजवासियों का ये प्राण धन है कृष्ण, और ज्यादा खुश होते हैं, बोले और आगे बोल, बोले गोपी का कांत कृष्ण, और ज्यादा खुश हो गए, बोले और कुछ है, हाँ और एक बात है, बोले राधा कांत नमस्ते, जब राधा कांत बोले ना कृष्ण सबसे ज्यादा खुश हो गए, कृष्ण सबसे ज्यादा खुश हो गए, इसलिए कहते यद्यपि कृष्ण सुंदर है लेकिन सुंदर होने पर भी जिसकी अंदर में जैसे भावना है ना उसको पास में ठाकुर उसी देखो ये बृहद भागवत अमृत में बड़ी सुंदर कथा है। एक समय क्या हुआ, कृष्ण द्वारका में थे, जब कृष्ण द्वारका में थे रहते थे द्वारका में, लेकिन दिन रात चिंता करते थे ब्रजवासियों, रात में जोते थे ब्रजवासियों के लिए हे श्यावली हे धवली हे कृष्णा हाँ हे श्रीदाम हे सुदाम हे ललिते हे विशाखे हे राधे बोल कर रात भर कृष्ण रोते थे, रो रो कर उनकी तकिया गिली हो जाती थी। एक दिन कृष्ण क्या हुआ, रो 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 कर कृष्ण एक दिन ब्रजवासियों को याद करते करते कृष्ण बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए बोले भैया अभी क्या किया जाए, अभी क्या किया जाए, इतने में से नारद जी आए, नारद जी बड़े कौतुक किए, बोले नारद जी समस्त द्वारका वासी बोले नारद जी कृष्ण बेहोश हो गए, इनकी होश कैसा आएगा, बोले देखो ये ब्रज की चिंता करते 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 ये बेहोश हो गए, अगर ब्रज का परिवेश अगर लाया जाए तो फिर कृष्ण का होश आ सकता है, कृष्ण का होश आ सकता है, क्यों वो वृंदावन की चिंता, वृंदावन की मधुरता और ब्रजवासियों की मधुरता को ही स्मरण करते करते कृष्ण बेहोश हो गए। बोले क्या किया जाए, बोले काम करो ब्रह्मा जी को बुलाओ और एक नव वृंदावन बनाओ, एक नया वृंदावन यहाँ पर बनाओ। बोले कहाँ पर बनाएंगे, बोले इतने में कृष्ण बेहोश हुए पड़े हुए, बोले उन्होंने गरुड़ को पीठ पर बैठा कर उनको ले गए जहाँ पर ब्रह्मा जी नव वृंदावन बनाए। नव वृंदावन मतलब है जहाँ पर ब्रह्मा जी कृष्ण जब सबरे गोचारण करने के लिए जाते थे, कैसे कृष्ण सोए हुए हैं, सखाएं कैसे आते, बोले कन्या कन्या अभी तो उठने उठा नहीं, आज हमें बहुत दूर तो गैया चराने के लिए जाना है, उठो उठो अभी भी सोए हुए, देखो सब सखाएं गोपियां देख रही हैं तो अभी भी सोया पड़ा हुआ, इसलिए ऐसे बनाओ। और जब कृष्ण जाते हैं ना क्या होता है, मैया जसोदा कृष्ण को मक्खन खिलाती हैं, ऐसे मैया जसोदा कैसे मक्खन खिलाती हैं, गोपियां कैसे कुंज के आड़ से दर्शन करती हैं, राधा रानी कैसे दर्शन करती हैं, बड़े सुंदर उन्होंने ऐसे उन्होंने बनाया नव वृंदावन, स्टैचू तो बनाया लेकिन जैसे वो मूर्ति जैसे जीवंत है, जैसे साक्षात बात करेंगे, इतने सुंदर उन्होंने नव वृंदावन बनाया। और कृष्ण का जो शरीर का जो श्रृंगार को सारे उतार दिया द्वारक का, और उन्होंने वृंदावन के श्रृंगार कृष्ण को वृंदावन के श्रृंगार से उनको श्रृंगार कर दिया, श्रृंगार करते हुए बलदेव प्रभु बोले अभी तुमने ये द्वारका का वेश को छोड़ो, हल मुसल को छोड़ो और श्रृंगार बेड़ी पर ले लो और वृंदावन का श्रृंगार करो, जैसे वृंदावन में रहते थे एकदम बड़े सुंदर उन्होंने वृंदावन को उन्होंने श्रृंगार करवाया। श्रृंगार करते हुए इतने में बलदेव प्रभु आकर के बोले बोले कन्या कन्या तू अभी तक सोया पड़ा हुआ, देख सूरज कितने ऊपर उठ गए, आज हमें बड़े दूर तक गैया चराने के लिए जाना, देखो ये सखाएं आकर के क्या कर रहे हैं, बोले तू कन्या अभी तक सो रहे हो, देखो सखा लोग भी आ गए। और कृष्ण को उन्होंने हिलाया, उठो कृष्णा उठो कृष्णा, लेकिन इतने में जो सत्यभामा और रुक्मिणी कालिंदी मित्रविंदा और जितने कृष्ण की महिषियां थी ना, बोले तुम लोग दूर में चले जाओ, दूर दूर खड़े हो जाओ, पता नहीं चले ये द्वारका है, कृष्ण को पता चले ये वृंदावन, जाओ तुम दूर छुप कर खड़े हो जाओ। पद्मा, ये पद्मा कौन है, ये कंस की माँ, 100 साल की डोकरी है, उसको भी बोले तू बहुत दूर खड़े हो जाओ,
पास में आना नहीं, बहुत दूर तक तो खड़े हो जाओ। पद्मा को भी बड़ी दूर में पद्मा को खड़े कर दिए, अभी खड़े करके और नारद की बहुत दूर तो खड़े हुए जैसे पता नहीं चले कहाँ पर। और श्री बलदेव प्रभु जब उन्होंने कृष्ण को हिलाए, बोले कन्हैया कन्हैया आज बड़े दूर तक जाना है, उठो अभी उठो। कृष्ण तो वृंदावन की याद करते करते बेहस हो गए थे। इतने में कृष्ण जब उठे है ना, उनको श्रृंगार द्वारका का नहीं, श्रृंगार वृंदावन का श्रृंगार। बलदेव प्रभु को देखा कैसे श्रृंगार है कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं। इतने में कृष्ण की जब होश आया, क्योंकि जिसको चिंतन करते करते वो बेहोश हो गए थे, उसी भाव से कृष्ण उठे। उठ करके देखा सचमुच से बलदेव प्रभु खड़े और सब सखा लोग वहां पर खड़े हुए। और मैया जशोदा मक्खन देती है ना लाला को, बोले कन्हैया दूर तो जाओ मक्खन खा करके जाओ, मक्खन मिश्री खा करके जाओ। उनने ऐसे जशोदा मैया को उन्होंने स्टैचू बनाया, लग रहा था ये साक्षात मैया जशोदा है। इतने में कृष्ण धीरे धीरे जगे। जब जगे जगे इतने में कृष्ण कह रहे, बोले मैया मैया आज मेरे बड़े दूर तक जाना गैया चराने के लिए, आज ही मेरे पास में तेरे से बात करने की समय नहीं। मैया मैया मैंने बहुत कुछ स्वप्न देखा, मैया मैंने तो स्वप्न देखा मेरे 16108 पटराणियों से शादी भी हो गई, लेकिन सचमुच से शादी हो गई थी कृष्ण की, कृष्ण की शादी हो गई थी। लेकिन कृष्ण अभी सोच रहे वृंदावन में ना, जब मथुरा द्वारका जाएंगे तब तो भगवान की शादी होगी, अभी तो वृंदावन में जैसे भावना है। बोले मेरी 16108 पटराणियों से शादी हो गई मैया, मैंने स्वप्न देखा, भैया मैंने बहुत कुछ स्वप्न देखा, कंसा मैंने कंसगुरी पछाड़ दिया स्वप्न देखा, और मैंने चार मुष्टि और साल तो साल और दंत पकड़ शिशुपाल को भी मार डाल, मैंने स्वप्न देखा, भैया बहुत कुछ स्वप्न देखा, लेकिन आज बड़े दूर तक जाना है, मेरे पास में स्वप्न की बात बताने का समय नहीं, इसलिए मैं जा रहा हूँ जो बाद में लौट करके सारी बात बताऊँ। और जब थोड़ी दूर गए, इतने में जो गोपियाँ जैसे कुंज से देखती थी, ऐसे बड़ी सुंदर कुंज बना गोपियाँ उससे देख रही हैं। इतने में कृष्णा गोपियों को कहते हैं, बोले गोपियाँ मैं आज जा रहा हूँ बड़े दूर तक, जब राधा कुंड में आए ना तुम लोग मुझसे बात करूँगा। इतने में जो थोड़ी दूर गए, राधा रानी भी कुंज से खड़ी, राधा रानी भी दर्शन कर रही हैं। इतने में कृष्ण कहते, राधे लगता है तुम मेरे स्वप्न की बात समझ गई, मैंने जो स्वप्न देखा है इतने महिषियों को साथ में मैंने शादी कर लिया, लगता है तुमने शायद ये बात को समझ गई हो, मैंने शादी कर ली इसलिए तुम मान कर खड़ी हुई हो, कोई बात नहीं तेरे से जब मैं मिलूंगा तब तेरे को मैं समझाऊंगा। ये बोलते हुए कृष्णा, देखो कृष्णा जब ब्रज में रहते थे उनकी चाल चलन बोलना देखना हंसना एक अलग तरह था, अद्भुत वो श्रृंगार अद्भुत। कतकिया चाल साल अलग लिए गजराज चले मस्त मस्त, भगवान की जो चाल ब्रज की अद्भुत है देखनी। लेकिन जो रुक्मणी सत्यभामा जो दूर से देख रही थी ना, कृष्णा जो ब्रज की भाव हृदय में प्रकट हुआ, कृष्णा इतने सुंदर दिख रहे थे, कृष्णा इतने सुंदर दिख रहे थे, कभी कभी ये महिषिया चक्कर में पड़ जाती थी, बोले कृष्णा तो सोते ही हमारे पास में लेकिन रोते हैं वृंदावन वासी के लिए, ब्रजवासी के लिए कृष्ण रोते हैं। ये गोपियों ने क्या ऐसे जादू टोना उनके ऊपर कर दिया, जो रहते हैं हमारे साथ में, हम एक से एक सुंदरी और सारे विद्या में हम सबके सब पारंगत हैं, सारे विद्या में पारंगत हैं, लेकिन अगर कोई हम पान की बिड़िया अगर कृष्ण को देते थे ना, कृष्ण का था पान बिड़िया तो बड़े सुंदर है लेकिन राधा रानी जैसे बना देती ऐसे नहीं, राधा रानी जैसे पान की बिड़िया खिलाती थी ऐसे बिड़िया नहीं। अगर हम कृष्ण को कोई श्रृंगार करते हैं ना, कृष्ण कहते हैं हाँ बड़े सुंदर श्रृंगार करवाया सब कुछ दिया, लेकिन गोपियां जैसे मेरे करती थी राधा मैया जशोदा जैसे खिलाती थी ऐसे तुम लोग नहीं कर पाए, और सोते थे इनके पास में रोते थे ब्रजवासी के लिए। लेकिन आज जब कृष्ण का ब्रज रूप उन्होंने धारण किए हुए देखा, इतने में जो महिषिया है ना वो बाबरी बन गई, कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ रही थी, और किसी तरह से उद्धव जी नारद जी उनको किसी तरह से उनको पकड़ करके रखे हुए थे। पद्मा कंस की मैया वो 100 साल की बुढ़ी थी, लेकिन जब कृष्ण का रूप को उन्होंने दर्शन किया ना, वो भूल गई मैं बुढ़ी हूं, वो सोच रही मैं छोरी हूं, 15-16 साल की मैं छोरी हो गई,
मतलब कृष्ण का रूप देख करके अपना काम को संभाल नहीं पाई, कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ रही थी कृष्ण को, इतने में उनको बड़े कष्ट से पकड़ करके रखा। मतलब कृष्ण वृंदावन में रहते हुए कृष्ण इतने सुंदर कृष्ण लगते थे, इतने सुंदर लगते थे, पर महिषियों को ये ज्ञान हुआ सचमुच से कृष्ण ब्रज में रहते समय उनकी नौकरानियों को जो उतना प्रेम करते थे, उनकी नौकरियों को जितना प्रेम करते थे उतना प्रेम कृष्ण हमें नहीं करते। सचमुच से ब्रज का जो प्रेम है ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, ब्रजवासियों का जो प्रेम है ये निराला प्रेम है, ऐसे प्रेम को दुनिया कोई उसको कर ही नहीं सकते, ऐसे उनकी प्रेम समझ गई ये चीज को। लेकिन कृष्ण जब और थोड़ी दूर गए ना, वो सोच रहे थे ब्रज है और सामने समुद्र बह रहा था, वो लग रहा था जमुना, लेकिन जब थोड़ी दूर गए देखा ये तो जमुना नहीं है तो समुद्र है, और जब देखा इधर उधर बड़े बड़े अट्टालिका, इतने में कृष्ण बोले भैया कहाँ पर पहुंच गए, मैं तो सोच रहा था वृंदावन में। इतने में दाऊ भैया बोले, दाऊ भैया क्या बात है, मैं कभी कहाँ हूँ, अभी मैं कहाँ हूँ। बोले कृष्णा तू ब्रज की याद करते 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 तो बेहोश हो गया था, अब तुमको उठा करके हम यहाँ पर लाए, ब्रह्मा जी ने वो वृंदावन बनाया तेरे को होश को, तेरे बेहोश को होश दिलाने के लिए, अभी तुम वृंदावन में नहीं हो, अभी कहाँ पर हो तुम, कृष्णा भी द्वारका में तुम हो, फिर उसको होश आए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते नित्य सबम न तृप्ति पूर्व दिशी भी पिबंत, इसलिए कृष्ण को जब दर्शन करते हैं कैसे कहते नित्योत्सवम, मतलब जब जब कृष्ण को दर्शन करो कृष्ण कभी पुराना नहीं लगते, हर समय कृष्ण नए लगते हैं। नित्योत्सवम मतलब जब जब कृष्ण को देखो तब तब कृष्ण नए लगती हैं। अभी अभी राधा रानी को साथ में कृष्ण कुंज में मिल करके अभी अभी राधा कृष्ण गए, थोड़ी दूर जाते ही राधा रानी ललिता को पूछती है, बोले ललिता ये कौन है, बोले क्यों अभी तो तेरे साथ में तो मिल करके। राधा रानी कहती मैं तो जिंदगी में कभी इसको देखा ही नहीं, पर जीवन में पहला बार देखा, जीवन में मैं पहला बार देखा। बोले ये किसका लक्षण है, बोले अनुराग, प्रेम से ऊपर स्नेहा है, उसमें कहते ना आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निग्रह रुचि निष्ठा आसक्ति प्रेम, उसके बाद में स्नेहा मान प्रण, उसके बाद में जो अनुराग है ये प्रेम पराकाष्ठा है। ये अनुराग जब हृदय में आएगा क्या होगा, जब जब भगवान को देखो लगेगा जैसे ठाकुर के जीवन में पहला बार देखा। अभी हमारे हृदय में श्रद्धा भी नहीं, लेकिन जब जब ये श्याम सुंदर को देखते हैं क्या देखता है, सवेर भी देखते हैं, दोपहर भी देखते हैं, शाम को भी देखते हैं, सोते समय भी देखते हैं, ठाकुर को भी पुराने लगते हैं ठाकुर जी, हर समय ठाकुर जी। अगर हमें ठाकुर जी ऐसे नए लगे, लेकिन जब अनुराग का स्थिति आए तो ठाकुर जी कितने सुंदर नहीं लगेंगे ठाकुर जी। इसलिए ठाकुर जी क्या होता है, जैसे उसको दर्शन करते हुए मानो भगवान की कथा अमृत को, भगवान की अमृत को जैसे जीव ये पान करता है। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब जब ठाकुर को देखो ठाकुर जी, तब तक ठाकुर जी नए नए लगते हैं, ठाकुर कभी पुराने नहीं लगते हैं। बोले श्री श्याम राधा श्याम सुंदर की जय।